नमस्कार, मैं फ्यूचर ज्ञानेश जोशी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको वास्तु के कुछ 10 नियम बताऊंगा जिनका पालन करने से निश्चिंत घर में सुख शांति वैभव और सबसे पहले माँ लक्ष्मी का वरदान आपको मिलेगा। अब मैं आपको कुछ नियम बताऊंगा, उसके पहले जान लीजिएगा यदि आपके घर में कई लोग काम करते हैं, एक से ज्यादा लोग भी काम करते हैं तो भी लक्ष्मी की स्थिरता नहीं होती। कई बार हम लोग यह देखते हैं कि पिताजी कमा रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं हो रही है और छोटी छोटी बातों पे कलेश हो जाता है। इसके लिए इन चीजों को निवारण करने के लिए, इन चीजों के दोष को दूर करने के लिए मैं ऐसे 10 नियम आपको बताऊंगा जिनको आपके घर पे करने से निश्चिंत आपके घर पे सुख शांति और समृद्धि आएगी। वास्तु के ऐसे 10 नियम आप ध्यान से सुनिएगा। पर यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें जिससे हमारी रोचक जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। यदि आप घर में तरक्की चाहते हो, धन की बरकत चाहते हो तो वास्तु का यह पहला नियम ध्यान रखिएगा। वास्तु में हमेशा तुलसी का पौधा होना बहुत जरूरी है, जो लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है, विष्णु जी को प्रिय होता है। घर में तुलसी का पौधा रखना साक्षात लक्ष्मी को आकर्षित करता है। इसके लिए हमेशा आपके घर में पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा जरूर रखिएगा और नित्य उनको जल चढ़ाइएगा। निश्चिंत घर में धन की बरकत जरूर होगी। वास्तु का दूसरा नियम, आपको हमेशा अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर साफ रखना है। वहां पे कभी भी डस्टबिन ना रखें, किसी प्रकार का कचरा ना रखें या कोई भी हेवी वस्तु ना रखें, अन्यथा आपके घर पे मानसिक पीड़ाएं बहुत होंगी। घर में बच्चों को बरकत नहीं मिलेगी। यदि आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस चाहते हो तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में किसी प्रकार का कचरा ना पड़ा होगा। इसकी जानकारी, इसकी सावधानी आपको खुद को रखनी है। निश्चिंत आपके घर में बच्चों को बरकत जरूर मिलने लगेगी। आइए जानते हैं वास्तु का तीसरा नियम। यदि आप अपने घर में पानी का वेस्टेज करते हो तो पैसा कभी नहीं टिकेगा, क्योंकि द्रव्य को धन भी कहा जाता है। आपको एक ध्यान रखना है, मैं आपको टिप बताता हूँ। ये वास्तु की टिप्स आप अपने तक सीमित मत रखिएगा, अपने मित्र परिवार को भी बताइएगा कि आप रात्रि को कभी भी सोते हो ना तो एक बकेट में पानी भर के रखिएगा जो दूसरे दिन आपको जरूर काम आएगा। यदि आप खाली बकेट्स घर में रात्रि के दिन रखते हो तो कई बार वह लक्ष्मी का दोष निर्माण करती है, घर में बरकत नहीं लाती। चौथा नियम, आपको यदि घर में धन धान्य का ऐश्वर्य चाहिए होगा तो बृहस्पति जो गुरु होते हैं उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप हमेशा एक भगवान जी की मूर्ति जरूर रखिएगा या अपने इष्ट देवता की मूर्ति जरूर रखिएगा। और साथ ही साथ जब भी आप घर में पोछा करते हो ना तो कई बार हम जानते हैं कि उसमें नमक डाला जाता है, वो भी फायदेमंद होता है, पर पोछे में चुटकी भर हल्दी यदि डाल देते हो तो भी आपके घर में धन धान्य की समृद्धि होती है, घर में साक्षात ईश्वर की कृपा बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में पांचवा नियम जो आपको बताऊंगा, जो घर में बरकत लाने के लिए बहुत ही जरूरी है, हमेशा आप जब भी खाना खाने बैठे पूर्व दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ खाना खाने बैठिएगा। यदि दक्षिण दिशा की तरफ खाना खाने बैठेंगे जो शारीरिक पीड़ाओं का कारक बनता है, जिस वजह से अनवांटेड पैसा खर्चे होंगे और आपकी शारीरिक पीड़ा बढ़ सकती है। आप जरूर इसके ऊपर ध्यान रखें कि आप खाना खाते समय या पानी पीते समय भी पूर्व दिशा की तरफ फेस करके करोगे या उत्तर दिशा की तरफ फेस करके करोगे तो आपको जरूर लाभ होगा। वास्तु में ये छठा नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग घर में पौधे तो लेके आते हैं पर ये पौधे यदि कांटेदार होंगे, उसमें यदि दूध वाले पौधे होते हैं, मतलब उनको तोड़ने के बाद उसमें से दूध निकलता है, तो ऐसे पौधे कभी भी घर में मत रखिएगा। आपको घर में कभी भी बॉन्साई जो पेड़ होता है, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो नहीं रखने हैं। आपको अपने घर में फूल आने वाले पौधे जरूर रखिए पर उसमें कोई कांटे नहीं हो तो निश्चिंत घर में समृद्धि बनी रहती है। पर कभी भी घर में जो छोटे पौधे होते हैं, जिनको आर्टिफिशियल पौधे भी कहा जाता है, जिसको छोटा रखा जाता है, ऐसे पौधे आपकी प्रगति को रोक के रखेंगे। आइए अब जानते हैं वास्तु में तरक्की पाने के लिए सातवां नियम। अब अपने घर को कितना भी सुंदर रख लीजिएगा पर यदि घर पे समय समय पे साफ सफाई नहीं होगी तो भी ये वास्तु का दोष बनता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि दरवाजों के कोने में या आपके खिड़कियों के कोने में जाले आ जाते हैं। ये जाले आपके घर में
फाइनेंशियल ब्लॉकेज खड़ा कर देंगे जिससे आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जल्दी ही चेक कर लीजिएगा, आपके घर पे ऐसे दीजाले होंगे तो साफ कर दीजिएगा, माँ लक्ष्मी आपके घर पे जरूर प्रवेश करेंगे। वास्तु शास्त्र में घर में बरकत पाने के लिए आठवां नियम बहुत ही जरूरी है। यदि आप अपने भगवान की भक्ति करते हो, अर्चना करते हो, पूजा पाठ करने के बाद भी घर पे धन स्थिर नहीं हो रहा होगा तो आप जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपके घर में दक्षिण दीवार की तरफ या उत्तर दीवार की तरफ आप भगवानों की पूजा होगी तो घर पे बरकत कैसे होगी। तो यदि ऐसा कुछ आपके घर में होगा तो उसको जल्दी से हटा के पूर्व दिशा की तरफ भगवान जी को रखिएगा, जिससे आपकी पूजा करते समय जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ होगा तो निश्चिंत घर में बरकत बनी रहेगी। ये वास्तु का नौवा नियम है जो बहुत ही जरूरी है। घर में तिजोरी तो हम लोग रखते हैं, पर तिजोरी हमेशा जितनी जमीन से जुड़ी होगी आपके घर पे धन स्थिर रहेगा। और एक बात मैं आपको हमेशा कहूंगा, आपको पैसे की बरकत में प्रॉब्लम आ रही होगी तो ये उपाय आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप अपने घर की जो तिजोरी होती है ना उसमें सुगंधित अत्तर रखिएगा, निश्चिंत ही माँ लक्ष्मी को वो सुगंध आकर्षित करेगा, माँ लक्ष्मी आपके घर में वहां पे स्थिर हो जाएंगी। और गलती से भी यदि आप किसी को पैसे देते समय पूरा एम्प्टी मत करिएगा, अपनी तिजोरी को यदि आप खाली करके सामने वाले को दे देते हो तो वो तिजोरी भरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसके लिए तिजोरी को कभी भी खाली मत रखिए। वास्तु शास्त्र में घर में धन की स्थिरता लाने के लिए बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से लाभ होता है। उसमें से एक पौधा है जो बहुत ही लकी माना जाता है, ये क्रासुला करके पौधा आता है। इस पौधे को अपने वास्तु के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे रखिएगा। यह पौधा वैसे तो घर में लक्ष्मी जी को आकर्षित करता है जो आपके घर में बरकत जरूर लेके आएगा। तो जो मैंने आपको वास्तु के 10 नियम बताए हैं इनमें से कितने नियम आप फॉलो करते हो, इसमें से कितने नियम आपके लिए अच्छे लगते हैं जो आपको सूट हो रहे हैं, कोशिश करके देखिएगा। पूरी श्रद्धा से यदि यह नियमों का पालन करते हो तो घर में धन धान्य ऐश्वर्य जरूर बरकत होगी, जरूर आपके घर में फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो सकती है, घर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको बरकत जरूर मिलेगी। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारा वीडियो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारा चैनल, और यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा होगा तो आपके मित्रजनों में शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।